चल यार चल इस बार चल दुनिया नहीं है बबल। भाई। अरे कौन भाई, किसका भाई? मैंने आपको भाई कहा है। ओ बाबा, तुम जैसी शक्ल वाला मेरा भाई नहीं हो सकता। देखो भाई, हमें कुछ खाने को दे दो, हमें बहुत भूख लग रही है। वो इतना आटा घटा हो कि तुम भीख मांग रहे, तुझे शर्म नहीं आ रही? तो भाई हम भीख नहीं मांग रहे, हम लोग खाना मांग रहे हैं। शर्म करो बाबा, मेहनत मजदूरी करो, जाओ अपना पेट पालो। अरे इस वक्त यहाँ कौन सी मेहनत मजदूरी करें यार? बाबा वो देखो समंदर बाहर आ रहा है, मैं आपको वाइपर दे रहा हूँ, आप इस पानी को पीछे कर दो। ओ भाई तू जानता नहीं है, शख्स को साबित इंसान निकल जाता है। जा जाके अंदर से खाना ला। अरे फिर हमको भी बताओ बाबा, तुम कौन है, हम देखेगा ना? नहीं नहीं मामा 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 मजाक, ये मजाक कर रहा था, इसकी आदत है मजाक करने की। भागो। अंदर दो औरतें नजर आ रही हैं। उम्र क्या होगी बॉस? यही कोई 30-35। अरे नहीं बॉस, मुझे 20 की चलेगी, इससे ज्यादा नहीं यार। मैं अपनी उम्र बता रहा हूँ तुम्हें। अरे बॉस आप तो पक्की उम्र के हो यार, बच्चियों की उम्र बताओ ना मुझे। कोई बात बता, तुझे उम्र का क्या करना है? बॉस 2 साल से शादी करना चाह रहा हूँ, बात नहीं बनती है, आज है बस मौका वो। अबे हम यहाँ पे तेरे हाथ पीले करने नहीं आए, माल बटोरने आए हैं माल। अरे बॉस माल बटोरेंगे तो मेरी शादी होगी ना, लड़की वालों की बहुत डिमांड होती है आजकल, चलो लूटे। अबे तू मैरिज ब्यूरो खोल ले, ये तेरे पास का काम नहीं है, चल निकल। नाराज हो रहे हो ना बॉस, मेरी तरफ से शादी में और कौन होगा, तुम होगे। अबे शादी शादी शादी, एक बार भी अब शादी का नाम लिया ना तो तेरी जान ले लूंगा। नहीं नहीं बॉस, गोली मत मारो, शादी में फायरिंग करना मेरी, अभी हटा लो उसको। चल चल जाके देखते हैं, चल। हाय बड़ी वो लग रही है नसरीन, गर्मी नहीं, गर्मी नहीं, जिसके लगने से पेट में बंदर दौड़ने लगते हैं वो। भूख? हाँ, भूख बड़ी भूख लगी है कसम। तुम लोग कौन हो और हमारी हाथ में क्या कर रहे हो? सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के, आशिक आवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा सादा है, मुश्किल इरादा है ओ, 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 हेलो मिस्टर, मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम लोग? मैं लट्टू। किस पे? फिलहाल तो इन पे। तुम लोग निकलो यहाँ से फौरन प्लीज। अरे बोबो हम खाना मांगने आए। नहीं बॉस आपने तो कहा था जेवर मांगने आए। क्या हमारे शौहर तो खुद खाना लेने गए, अभी आते ही होंगे। अरे बॉस आप तो कह रहे थे दोनों अकेली हैं। अबे कोई बात नहीं, इनके शौहरों को भी देख ले गंतान। आप घबराए मत, मैं आप गोली नहीं चलाऊंगा। लेकिन यार मेरी भूख से जान निकल रही है यार। मैं मूसा अल्लाह को यही मंजूर था यार। देखे मैं मूसा, अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो हमारे लिए बढ़िया सारी, हम आपको पानी में बहा देंगे। अरे यार मैं मूसा, कौन आपका इतना भारी मुंह उठाकर इतना लंबा सफर करेगा वापसी का? अच्छा भाई मरना कैंसिल, चलाओ। चले यार मैं मूसा, अभी तो माँ जी और खूबसूरत की बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी यार। चलाओ चल। आया आया माफ करना भाई, मेरा ख्याल आप लोग ना गलत हट में आ रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं मुस्तकीम? अरे कौन मुस्तकीम बहन जी, मैं तो महमूद हूँ। चलाओ यार नबी। अबे रुको, यही ना तुम दोनों के शौहर? हाँ यही है हमारे शौहर। ये इस छोटी शर्ट वाले से तो अच्छा मैं हूँ, मेरा फेस कट देखो कैसा मॉडल लगता हूँ, लगता हूँ ना। नबील ये लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं यार। हाँ तो जानू 100-200 दो और फारग करो इनको। अबे हमें 5 लाख रुपए चाहिए, पूरे 5 लाख। 5 लाख? अबे 5 लाख कहाँ से लाएंगे न्योले हम? 5 लाख रुपए अरेंज कर ले वरना तेरी बीवी हाथ से जाएगी। अबे हाथ से नहीं जान से जाएगी, जान से बोल। नहीं बॉस मैं कैसे मार सकूंगा, मैं इसको नहीं मार सकूंगा। मैं मार के दिखाऊं तुझे। अरे आंटी क्या हो गया, ये कोई खेलने की चीज थोड़ी है। अरे तुम ऐसा करो जाके पैसों को बंदोबस्त करो फौरन, चलो। देखो भाई मेरी बीवी को बेशक गोली मार देना, लेकिन अगर मेरी माँ को एक भी जख्म आया तो मैं तुम लोगों की नस्लें मुका दूंगा। नबील देखा सुना तुमने, नहीं करता तुमसे सच्चा प्यार ये धोखेबाज।
क्या करें यार नबील, कहां से लाए इतने पैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महमूद साहब, हमें इतने पैसे देगा कौन भाई? अब क्या करें महमूद साहब? भाई मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था, हमारी बीवियां थी बड़ी नेक नबील, हमें याद बहुत आएंगी। महमूद साहब वहाँ मेरी माँ जी भी है और मैं अपनी माँ को हर सूरत बचाऊंगा। तो बचा लो भाई। हाँ पापा जी को फोन करता हूँ। एक सेकंड महमूद साहब, मैं अपने प्यारे पापा जी से हेल्प लूंगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पापा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी पापा जी वो एक्चुअली थोड़ा सा काम था पापा जी। पापा जी वो एक्चुअली हुआ ये है कि खूबसूरत और माँ जी की जान खतरे में है, डाकू जो है ना वो 5 लाख मांग रहे हैं। पापा जी मैं झूठ नहीं कह रहा मैं, पापा जी अब मेरी बात का यकीन करें। हेलो हेलो पापा जी, हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया पापा जी ने यार। इस शख्स की वजह से सारा कुछ हो रहा है। अगर ये शादी में मुझे छोटा सा आइलैंड गिफ्ट कर देता यार, आज इन डाकुओं का सामना तो ना करना पड़ता। हाँ नवील कह तो तुम ठीक रहे हो यार। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा करता हूँ बट साहब को फोन करता हूँ, शायद वो हमारी ना कुछ मदद कर दे। हेलो हेलो बट साहब, कैसे हैं बट साहब? बट साहब हमें ना आपकी छोटी सी एक मदद चाहिए, हमें ना सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। हेलो हेलो, हाँ बट साहब, बट साहब 5 लाख, बट साहब 5 लाख। फोन ही काट दिया नबील उन्होंने, अब क्या करें? आइडिया महमूद साहब। क्या? अपना बालों वाला कान इधर लाए। चलो बाबा इधर ही इधर ही करना ये है महमूद साहब। भाई टट्टू तू ही मुझे कुछ खाने को ला दे, वरना इस कमसिन कली का खून तेरे सिर पे होगा। अबे चुप कर बुढ़िया। बता पैसों का बंदोबस्त हुआ? जी जी बिल्कुल हो गया, हमारा बंदा जो है ना वो 1 घंटे में पैसे लेकर यही आ रहा है। तुमसे एक काम भी सही इतना नहीं होता नबील, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। होश होश निसरीन, अब तुझे क्या हुआ है? मेरी आंखें खुल गई हैं माँ जी, मुझे इस आदमी से शादी करनी ही चाहिए थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। खूबसूरत तुम एक डाकू के सामने मुझे जलील कर रही हो, बेइज्जत कर रही हो, बातें सुना रही हो। तुमसे अच्छा तो डाकू है, कम से कम कोई काम तो करता है ना। देख फील, सुना अपनी चुड़ैल को मुंह तोड़ इसका। अभी ले माँ जी। खूबसूरत तुम एक अजीम और खूबसूरत इंसान की बीवी बनने के लायक ही नहीं थी। ये चीज मेरा बच्चा, ये चीज घर जाते ही ना मैंने अपने लिए एक बहू लानी अच्छी सी। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। सही किया वैसे आपने, उस फारिग आदमी को बातें सुनाकर। आप बोले तो उड़ा दूं उसको। उड़ा दूं मतलब? तो गोली मार देता हूं ना। नहीं नहीं गोली ना मारो, देखो गोली मार दी तो तुम जेल चले जाओगे ना। पगली तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी? अब नहीं, अब इतनी भी नहीं थी। मैं समझ गया तो मुझे पसंद करने लगी हो ना? हाँ शायद। मुझे पता था, जिस तरह से तुम मुझे वहाँ देख रही थी ना प्यार से। हाँ लेकिन तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है ना। देखो अगर तुम बॉस होते तो मैं सोच भी सकती थी, लेकिन तुम तो एक मामूली से चोर हो। नहीं नहीं, मैं मामूली से चोर नहीं हूँ, सारी प्लानिंग मैं करता हूँ, बॉस तो सिर्फ हुकुम चलाता है बस। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, बॉस तुम्हें होना चाहिए था ना भाई। तुम ठीक कह रही हो, मैं बॉस बनूंगा, फिर हमारी शादी होगी और हम दोनों मिलके द कैफियत वाला करेंगे। आओ कम ऑन। बात डन डन, आओ चलो। पैसे आने ही वाले होंगे। वैसे टप्पू भाई आपका ना, माफ कीजिएगा पप्पू भाई, आपका ना मुंह ही बड़ा, वैसे मासूम आदमी है। बहुत ही मासूम आदमी है आप। क्यों बे? अच्छा ये बताएं कि उन 5 लाख रुपए का आप करेंगे क्या? हाँ।
अरे मैं और लट्टू आधे आधे बांटने की और क्या। अरे आधे आधे क्यों भाई, लगड़ बगड़ जितना मुँह है आपका, बॉस तो आप है और वो तो आपका मेला है। अरे मेला नहीं, चेला है। चेला चेला है, चेला बल्कि लेला लगता है कभी कभी। भाई बॉस को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए ना, आप चालाक है, ज़हीन है, इंटेलिजेंट है और बहुत मनहूस भी है। क्या? अरे इसको छोड़े यार, आप जाके अपने चेले से कहें कि आप बॉस हैं, वो 5 लाख रुपए आप रखेंगे। और सच्ची बात ये है महमूद साहब कि वो 5 लाख हमने इन्हीं को तो देने हैं। हाँ, और क्या। हाँ, हाँ। सच। हाँ ना। मैं अभी लट्टू के मिजाज चिखाने लगा के आता हूँ, तुम लोग यही रुको। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन हम लोग इतने खुश क्यों हैं? ओ मालिया, अरे तुम तो चुप करो। अबे बात सीधा बॉस से पप्पू पे आ गया। हाँ तो तू बॉस कहलाने के लायक भी कहाँ है? ए, चल तू किस किस्म का बॉस है, 5 लाख रुपए में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। मैं भी अपनी खूबसूरत की कसम खाता हूँ, तुझे 5 लाख रुपए को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ए, अच्छा वो पैसे मेरे हैं। मेरे हैं, मैं तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। खबरदार, खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला फोन के रख दूंगा। बहुत अब क्या खूबसूरत जानू। खबरदार, मेरी बीवी को जानू का मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा। मैं और खूबसूरत एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं। ओ शट अप, मैं सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रही थी ताकि तुम अपने बॉस से लड़ो और हम लोग तुम्हारी गने ले सकें। वेरी गुड शकीला, वेरी गुड। बॉस अब क्या करेंगे, अब बच्चू जेल जाओगे। चल यार चल, दुनिया